लगाना है ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मैं आपके साथ बहुत ही मजे का यम्मी से जो है ना समर रिफ्रेशिंग जो है ना वो मिल्क शेक शेयर कर रही हूँ। ओरियो मिल्क शेक, ये मैंने ओरियो बिस्कुट लिए एक पैकेट लिया था, ठीक है। उसको हमने इस तरह इसके छोटे छोटे पीसेस करके हमने ये मिक्सर में डाल दिया। बहुत ही इजी, बहुत ही मजे का और बहुत ही ये जो है ना यमी शेक बनेगा। इसमें एक चम्मच मैंने ये कोका पाउडर डाला है और ये थोड़ा सा बिटर होता है, यानी कि ये थोड़ा सा कड़वा होता है, तो इसके लिए हम इसमें एक ये बड़े वाला चम्मच और ये टू स्पून जो है मैं इसमें भर के शुगर के डाल रही हूँ। आम रेगुलर शुगर लिया है मैंने। और इसके अंदर जो हम डालेंगे दूध का हाफ कप डालेंगे। इसके अंदर हम आइस क्यूब ऐड करेंगे और पल्स भी हैं। और इसमें मैंने ये टू स्पून जो है ये हम घर की जो क्रीम है उसके हम डाल रहे हैं, ठीक है। एक या दो पल्स हमने चलानी है, उसके बाद मैंने इसको दोबारा इसको मिक्सिंग टू, ये हमने इसको देखें कितना अच्छा ये क्रीमी, ये इसका टेक्सचर देखें फ्रेंड्स, कितना अच्छा क्रीमी बना है, बिल्कुल अच्छा मजे का यम्मी। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं ये ठंडी चीज जो है ना वो चख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं चखा रही हूँ तो बहुत अच्छा, बहुत मजे का, बहुत यम्मी जो है ना ये टेस्ट का बना है। तो ये मैंने टू क्यूब्स डालेंगे इसमें और ये हम ऊपर से ये डालेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर ये देखें किस कदर अच्छी ये इसके ऊपर फ्लफ है और ये बहुत ही अच्छा मजे का रिफ्रेशिंग, जो लोग चॉकलेट फ्लेवर को पसंद करते हैं, जो चॉकलेट लवर हैं ये उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने एक स्कूप जो है चॉकलेट आइसक्रीम का इसमें डालने लगी हूँ। आप इसको शेक भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसके अंदर ऐसे डाला है, ठीक है। आप अंदर डाल के शेक करना चाहिए तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। और हम इसको थोड़ा सा जो है वन पिंच जो है हम इसको और चॉकलेट से इसको करेंगे, ये कोका पाउडर है, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे स्प्रिंकल, इसको जरा थोड़ा सा क्लोजअप से दिखाएं, बहुत अच्छा, बहुत मजे का, बहुत यम्मी जो है ना ये हमारा शेक तैयार है। ये हमारा है ओरियो चॉकलेट शेक। इसको आप अफ्तारी रमजान में इस्तेमाल करें, बहुत ही जो है ना रिफ्रेशिंग है और बहुत ही एनर्जेटिक है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।